नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। चिराग पासवान के 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के बयान पर बोले नीतीश कुमार, कहा लोजपा कोई भी रास्ता चुनने को स्वतंत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया निर्देश, कुआं तालाब चापा नलों का तैयार होगा डाटाबेस। प्राइमरी शिक्षक वाली प्रक्रिया पर रोक हटाने से पटना हाईकोर्ट ने किया इनकार, सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का दिया आदेश। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, का अब नहीं चलेगा लालू परिवार का सामाजिक न्याय। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर नीतीश पर साधा निशाना, का खो गया है नीतीश कुमार का वह पर्चा जिससे पढ़कर मांगते थे बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से की अपील, आज रात 9 बजे 9 मिनट तक लाइट बंद कर जलाए दिया। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को रात 9 बजे फेसबुक लाइव आकर दिया संदेश, लोगों से लाइट बंद कर दिया जलाने की अपील। कोरोना संकट को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किया फरमान, डोर टू डोर प्रचार करने के लिए अधिकतम 5 लोग ही होंगे शामिल। सुरक्षा कर्मियों को छोड़ रोड शो में 5 गाड़ियों से प्रचार की अनुमति, काफिले में 2 गाड़ियों के बीच 30 मीटर का अंतर रखने का निर्देश। सभी मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर व थर्मल स्कैनिंग की होगी व्यवस्था, मतदाताओं को पहचान के क्रम में हटाना पड़ेगा मास्क। बिहार में SC ST एक्ट के तहत दर्ज लंबित केस का हकीकत जानने सभी जिलों में जाएगी CID की टीम। कोरोना के खतरों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने दिया आदेश, प्रत्येक सेक्टर अधिकारियों के साथ रहेगी डॉक्टर की तैनाती। बिहार में कोरोना की स्थिति पर सख्त हुआ हाईकोर्ट, कहा कोरोना मरीजों की स्थिति भयावह, इलाज की व्यवस्था लचर। बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी माहौल हुआ तेज, पति तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव लड़ेगी ऐश्वर्या। लेकर बांका के अलग अलग जगहों पर 5 मासूम की डूबने से हुई मौत, घर में पसरा मातम। खगड़िया में STF और पुलिस के ऑपरेशन में मिनी गन फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़, पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पटना में भी पुलिस STF के ज्वाइंट ऑपरेशन में भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बरामद, 4 बदमाश गिरफ्तार। बड़े शहरों के बाद अब छोटे शहरों में भी बढ़ने लगा है समलैंगिक विवाह का प्रचलन, बेतिया से एक नया मामला आया सामने। पति पत्नी बने इशरत और नगमा ने रचाई शादी, पति पत्नी बने दोनों लड़की, पुलिस सुरक्षा के बीच पहुंचा घर, घरवालों ने रखने से किया इनकार। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर बोले बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे, बिहार पुलिस को जाता है रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का श्रेय। नवजात बेटी को रेलवे ट्रैक पर फेंक भागी मां, देखते ही देखते मासूम ने तोड़ा दम, सुपौल का है मामला। भागलपुर पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, लोगों से किया संवाद, जमकर उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। निशिकांत दुबे के भागलपुर पहुंचते ही टिकट के दावेदारों में स्वागत करने की लगी होड़, स्थानीय नेताओं के चेहरे पर नहीं दिखा मास्क। नाथनगर जैन मंदिर सड़क और नाला निर्माण कार्य के शिलान्यास के साथ ही सियासत शुरू, जनप्रतिनिधियों में श्रेय लेने की लगी होड़। पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 8 साल बाद मिली अस्थाई मान्यता, MCI ने 100 सीटों की दी अस्थाई मंजूरी। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिल्क टीवी को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर पेज को फॉलो जरूर करें।